स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। यूनिटाइज बेयरिंग हब कैसे रिमूव करते हैं, कैसे फिट करते हैं, ये देखें वीडियो पूरे वीडियो में। तो यूनिटाइज बेयरिंग जो है ये सीज हो गया है, तो इसे इसका जो सकेट है हम प्रेशर गन से ओपन करेंगे। तो गन से मैंने खोल लिया है और ये चेक यूनिट है और ये रेसर है जिसे डिस्टेंस बोल सकते हैं। और ये रही वो बैरिंग, इसमें लगी हुई है एक सर्किलिप। तो और इसकी बैरिंग जो है ख़राब हो गई हैं, और ये पुलर लगा के हमें इस हब को बाहर रिमूव करना है अच्छे से। बिना पुलर के सीज हो जाने पर नहीं निकलेगा ये। पुलर की मदद से भी नहीं निकला तो हमें गैस कटर की मदद से इसे कटवाना पड़ा। तो ये बैरिंग के दो टुकड़े करने पड़े तभी ये हब जो है बाहर निकला। और ये रहा वो गुल्ला और ये रही वो यूनिटाइज बैरिंग। ये यूनिटाइज बैरिंग प्रेस फिटेड है, हब में जो है जाएगी प्रेस होके ही जाएगी, ऐसे नहीं फिट होगी बिना प्रेस। तो प्रेस मशीन पे हम ले गए इसे हब, इसे हम प्रेस की मदद से इसमें हब में जो है अच्छे से बैठा देंगे। बैठाने के बाद हम इसमें जो है लॉक लगा देंगे अच्छे से। तो प्रेस की मदद से हम इसे जो है अच्छे से बैठा दिया है। बैठाने के बाद इसमें सर्किल लगा दी, ये देखो हब में जो है अच्छे से यूनिटाइज बैरिंग जो है बैठ गई है आराम से। बैठने के बाद इधर भी हम देख लेते हैं, इधर देखो सर्किल लगी हुई है ये वाली और लॉक लगी हुई है। अभी इसमें मैं दिखाता हूँ, गुल्ले को मैंने क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद इसमें जो थोड़ी रस्टिंग आ गई थी उसको भी क्लीन करके अच्छे से करना है, ताकि हमारा जो हब है आराम से फ्री बैठे। तो इसमें ABS वाला गियर लगा दिया गया है। इसके बाद हम जो है इस हब को बैठा लेंगे। ये बिना ग्रीस वाला है हब है, यूनिटाइज बैरिंग बोलते हैं इसे, बिना ग्रीस वाला। 4 लाख 4 साल किलोमीटर चलता है। तो इसमें इसका रेसर लगा देंगे। रेसर लगाने के बाद चेक यूनिट लगा के इसे लॉक करेंगे। तो रेसर फिट कर दिया है। फिट करने के बाद इसका जो चेक यूनिट है उसको अच्छे से फ्री चढ़ाना है, क्योंकि इसे गन से ही टाइट करना है, गन से ही खोलना है। बहुत टाइट होता है ये। और इस हब को सारी चीज़ें चेक करेंगे, प्ले वगैरह कितनी क्या होती है, क्या सारी चीज़ें। वैसे समथिंग 4000 के आसपास हब प्ले होती है, तो बेसिकली इसकी भी देखनी है। तो इसे हम गन मशीन की मदद से अच्छे से हम टाइट करेंगे। तो हम जो है इसे अच्छे से टाइट करेंगे गन मशीन की मदद से। गन मशीन की मदद से हमने जो है इसको अच्छे से टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद अच्छे से एक बारी हम इसकी सारी प्ले वगैरह चेक कर लेंगे, हब फ्री है कि नहीं फ्री है, ये सारी चीज़ें भी देखनी है हमको। अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो भारी हो जाएगा, तो फिर वायरिंग ख़राब हो जाएगी। तो हब हमारा फ्री रहना चाहिए इस तरह, नचा के हम देख लेंगे और इस डिस्टेंस को हम अच्छे से निकाल लेंगे, सॉकेट है जो, और एक बारी देख लेंगे। लॉक है हमारा, चेक नट अच्छे से लग गया है और पीछे भी पूरी तरीके से हब जो है हमारा बैठ चुका है। तो इसमें डायल गेज लगाएंगे, डायल गेज लगा के इसके जो प्ले वगैरह है वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो हब की बेसिकली प्ले जैसे कि हम लोग चेक करते हैं वैसे हम चेक करेंगे। ये देखो डायल गेज की स्विच जो है मूव कर रही है, यानी 4000 के आसपास इसमें चाल है, तो समथिंग इतनी रहनी चाहिए। और एक्सल लगा के इसमें इसको हम कंप्लीट करेंगे। एक्सल फिट करने के लिए हमें अच्छे से सेंट्राइज करना है। सेंट्राइज करने के बाद फिर हैमर की मदद से इस एक्सल को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद इसमें जो है सॉकेट, हम जो सॉकेट बोल रहा हूँ, नट जो है इसके अच्छे से टाइट कर देंगे। और इनके जो नट की जो टार्क है वो भी हम टार्क रिंग की मदद से टाइट करेंगे। पहले तो मैनुअली इसे यहाँ से सॉकेट से इसे टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसे टॉर्क दे देंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आगे की किसी भी विषय में वीडियो चाहिए तो कमेंट में पोस्ट कर दीजिए, आपको उस विषय में वीडियो मिलेगा। अच्छे से हम टॉर्क रिंच से मदद से इसे हम टाइट कर देंगे प्रॉपरली। हर एक बोल्ट को अच्छे से हम टॉर्क देंगे। अगर टॉर्क हम नहीं देते हैं तो ये यहाँ से लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम बेसिकली इसमें हम अच्छे से टार्क देंगे। टार्क देने के बाद इसका जो ड्रम है हम चढ़ा के पहिए को ओके कर देंगे।